आपको दिखाता हूँ पूरा मुल्लापुर बस स्टैंड, मुल्लापुर बस स्टैंड के अंदर। तो गाइस ये जो शहीद करतार सिंह हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ी शहीदी दी थी। गाइस यहाँ पे लगा हुआ है मुख्यमंत्री अमृतसर ब्यास और जलंधर, और सेकंड नंबर काउंटर पे है गाइस आ चुकी है यहाँ इसके अंदर वन बस अंदर। ये देखिए एक पंजाब रोडवेज और बस जा रही है। तो गाइस मेरे को तो ये मुल्लापुर बस स्टैंड है बहुत ही क्लीन एंड जो संभाल के रखी गई है ये जगह उनके लिए, जहाँ पे विंडो के अंदर बुद्धिस के अंदर ये जो ऑटो चलते हैं, शानदार टॉयलेट बने हुए हैं ये देख सकते हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शुरू कर देना। और गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं जो मुल्लापुर बस स्टैंड है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मुल्लापुर बस स्टैंड। ये लुधियाना की तरफ से रोड आ रहा है और इस तरफ है मुल्लापुर। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हो मुल्लापुर बस स्टैंड जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये देखिए पीछे से पीआरटीसी बस भी जो आ रही है, आप देख सकते हो मेरी बैक साइड। और गाइस यहाँ से आपको हर तरफ जाने की बसेस जो है मिल जाएंगी, अवेलेबल है यहाँ पे सारी बसेस। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड के अंदर से। तो चलिए गाइस चलते हैं लुधियाना सॉरी मुल्लापुर बस स्टैंड के अंदर। चलिए गाइस राइट साइड पे आप देख सकते हो कि राइट साइड पे भी एक रास्ता है जो उस तरफ मार्केट की तरफ जाता है। और गाइस जो और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पुराने जो हमारे ऑटो होते थे वो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा जाके, जो अभी तक जो मुल्लापुर में अभी तक चलते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको मलेरकोटला संदौड़ एक नंबर से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी थोड़े टाइम पहले ही ये बना है, चलिए पहले मैं आपको ये बस स्टैंड जो है अच्छे तरह से दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से ये बस स्टैंड की जो है, यहाँ पे भी पार्किंग है गाइस और वो दूसरी तरफ देख सकते हो सामने भी पार्किंग है और यहाँ पर बसेस भी खड़ती हैं लेकिन थोड़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम ही है। शहीद करतार सिंह सराबा बस स्टैंड मुल्लापुर दाखा। तो गाइस ये जो शहीद करतार सिंह हैं इन्होंने बहुत ही बड़ी शहीदी दी थी हमारे पंजाब के लिए, हमारे भारत देश के लिए। गाइस इनके लिए एक सलूट तो बनता है और इनके लिए एक लाइक भी बनता है। तो गाइस एक बस यहां पे आ चुकी है जो कि आगे जगराओं या मोगा जाएगी, जहाँ हो सकता है कि बठिंडा जाए। वो पीछे आप देख सकते हो पंजाब मंडी बोर्ड, पीछे इसके बैक साइड में है दाना मंडी। और गाइस सबसे पहले जो बस जाती है वो है एक नंबर काउंटर पे अमृतसर ब्यास और जलंधर, और सेकंड नंबर काउंटर पे है गाइस फिरोजपुर मोगा जगराऊं, एंड थर्ड काउंटर है गाइस रायकोट हलवारा एंड बठिंडा, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है गाइस अजीतवाल जगराऊं चौंकीमान, बठिंडा बरनाला रायकोट मोहाली खरड़ समराला पटियाला खन्ना सानेवाल डेलों जोधा पमाल भूंदड़ी सवद्दी मलेरकोटला सदौड़ एंड और क्या है रायकोट, है ना। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पे जो लोकल नेड़े नेड़े की बसेस है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस एक और पंजाब रोडवेज बस है जो वो आ चुकी है यहाँ इसके अंदर, फन बस है गाइस। और पीछे भी पीआरटीसी बस आ चुकी है गाइस, ये देखिए कैसे बसें आ रही हैं लगातार। लेकिन पहले जो था गाइस बहुत ही मुश्किल होती थी हमें, जो क्या है कि बसें रोड पे ही खड़ी हो जाती थी, चारों तरफ ट्रैफिक जो था जाम हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा मुल्लापुर के अंदर दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सरकार ने ख़त्म कर दिया है, अब बहुत ही रिलैक्स हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया है, ताकि चारों तरफ जो है वातावरण जो है ठीक हो गया है। बहुत ही अच्छा बनाया है, सरकार के लिए अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने भी ये बनवाया है। तो गाइस अब ये बस जाएगी बाहर की तरफ और निकल जाएगी सीधा जगराऊं की तरफ, और बहुत ही शानदार बना है गाइस, बहुत ही शानदार। ये देखिए एक पंजाब रोडवेज और बस जा रही है, ये देखिए सिर्फ आती है कुछ ही सेकेंड के लिए, कुछ ही मिनट के लिए रुकती है बस और निकल जाती है गाइस।
और गाइस चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, आगे की तरफ लेके चलता हूँ थोड़ा। तो गाइस मेरे को तो ये मुल्लापुर बस स्टैंड है बहुत ही क्लीन एंड क्लियर लगा गाइस, बहुत ही सुंदर लगा मेरे को। छोटा सा बस स्टैंड, बहुत ही बढ़िया बस स्टैंड बना है यहाँ पे। देखिए गाइस मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये दो वे जाते हैं, ये है दाना मंडी का, दाना मंडी जो अंदर की तरफ दाना मंडी वाला रोड है वो रोड है। तो गाइस ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्लापुर के अंडर आता है, ये मुझे लगता है उन्हीं ने जो कंस्ट्रक्शन किया होगा, प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन पता करके सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। इसकी जो कितनी कॉस्ट है सब कुछ इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं गाइस। ये देखिए एंट्री ऑफिस एमसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना, और गाइस यहाँ पे लगा हुआ है वातावरण दिवस का बैनर। चलिए अब बस स्टैंड के अंदर की तरफ से आपको दिखाता हूँ गाइस। और सिगरेट पीना सेहत लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसेंजर्स बैठकर बसों की जो वेट कर रहे हैं। और गाइस ये है एंट्री किचन, पीछे बहुत ही सुंदर जो रूम बनाए गए हैं गाइस आप देख सकते हो, किचन बनी हुई है पीछे। और आगे चलते हैं, आगे की तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है बस स्टैंड की बैक साइड, जहाँ पे पीछे दाना मंडी है, देख सकते हो कितनी अच्छी जगह बनी है। तो चलिए मैं आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। पंजाब सरकार शहीद करतार सिंह सराभा बस स्टैंड मुल्लापुर दाखा का उद्घाटन मानयोग श्री मुख्यमंत्री पंजाब श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने किया था, जो कि 23 तारीख 2021 को किया था। और ये उन्होंने ही जी की हाजिरी में अपने करण कमलों के साथ किया। और गाइस इसकी जो कॉस्ट आई थी वो थी 8.81 हज़ार करोड़ रुपए, और ये बना हुआ है 7,000 स्क्वायर यार्ड फीट एरिया में। स्थानक सरकार विभाग पंजाब मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की योग अगुवाई में मुल्लापुर दाखा में नए बस स्टैंड की जो नींव पत्थर है, श्री ब्रह्म महिंद्रा जी ने कैप्टन मंत्री स्थानक सरकार विभाग पंजाब जी वालों कैप्टन संदीप सिंह संधू जी ने सियासी सलाहकार मुख्यमंत्री पंजाब जी दी किया। गाइस यहाँ पे जो पैसेंजर हैं वो बसों की वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही शानदार जो बस स्टैंड है आपको दिखा सकते हैं, इस तरफ पैसेंजर जो बैठे हुए हैं। तो चलिए गाइस थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पुराने ऑटो थे, और यहाँ पे गाइस बना हुआ है लेडीज टॉयलेट और यहाँ पे है जेंट्स टॉयलेट। तो टॉयलेट भी आपको दिखा देता हूँ अंदर से, बहुत ही शानदार टॉयलेट बने हुए हैं, ये देख सकते हो गाइस आप, बहुत ही साफ सफाई रखी गई है इस जगह में, बहुत ही ये देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी जो जगह बनी हुई है यहाँ पे, बहुत ही साफ सफाई रखी गई है। चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पुराना जो कल्चर था, जो हमारी पुरानी विरासत है, इनको हम बोल सकते हैं पुराने ऑटो, जो कि अभी तक जो हमारे अवेलेबल हैं, अभी तक ये जो चल रहे हैं बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही पुरानी विरासत है हमारी जो अभी तक चल रही है। अभी भी लोग इसमें, बहुत ही जो विलेजेस वाले पीपल है, विलेजेस लोग हैं, वो अभी तक इन ऑटोज़ में जो है सफ़र करते हैं। बहुत ही शानदार ऑटो, इनमें कम से कम भी 20-25 लोग आराम से बैठ जाते हैं, चारों तरफ जो है इसके लोग खड़े हो जाते हैं। ये भी एक ऑटो स्टैंड है जो कि पुराने लोग थे उनके लिए, जो संभाल के रखी गई है ये जगह उनके लिए, जहाँ पे पिंडों के अंदर विलेजेस के अंदर ये जो ऑटो चलते हैं।
तो गाइस बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ये कि सभी जो बंदे हैं एक जगह पे इकट्ठे होकर अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ बसें चलेंगी और एक तरफ ये जो ऑटो चलेंगे। तो गाइस चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, किसी से बातचीत भी कर लेते हैं कि कैसा लगा है सब। तो चलिए गाइस हमने आपको दिखा दिया है पूरा जो मुल्लापुर का बस स्टैंड। तो गाइस चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर किसी को कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर देना गाइस। तो कुल मिला के मेरे को तो ये जो बस स्टैंड है बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी ये बस स्टैंड अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।